झालाना इलाके में गोली मार करके हत्या की गई है। तो जयपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। जयपुर में एक महिला और दो बच्चों की हत्या का मामला है और देखिए झालाना इलाके में गोली मार करके हत्या की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ट्रिपल मर्डर की वारदात से कॉलोनी में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो एक महिला और दो बच्चों की हत्या का मामला है जयपुर से, ये बड़ी जानकारी। जयपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली है और जयपुर में आपको बता दें कि एक महिला और दो बच्चों की हत्या का मामला है। झालाना इलाके में गोली मार करके हत्या की गई है और ट्रिपल मर्डर की वारदात से कॉलोनी में दहशत का माहौल है। तो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जयपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। एक महिला और दो बच्चों की हत्या की गई है। झालाना इलाके में गोली मार करके हत्या की गई है। तो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब लोग इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। एक महिला और दो बच्चों की हत्या का ये पूरा मामला है। झालाना इलाके में गोली मार करके हत्या की गई है। तो जयपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली है। तस्वीरें सबसे पहले News18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो ट्रिपल मर्डर से सनसनी और झालाना इलाके में गोली मार करके हत्या की गई है। ट्रिपल मर्डर की वारदात से कॉलोनी में दहशत का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं और तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें आपको पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं जो कि पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर अब देखिए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी। ट्रिपल मर्डर की वारदात से कॉलोनी में दहशत का माहौल है और जयपुर में देखिए ट्रिपल मर्डर से अब सनसनी फैल चुकी है और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो चुके हैं। झालाना इलाके में गोली मार करके हत्या की गई है। तो कौन थे जिन्होंने गोली चलाई है और क्या कुछ इस पूरे मामले में, और देखिए अब सच्चाई निकल करके सामने आती है, ये देखना होगा क्योंकि अब पुलिस पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। एक महिला और दो बच्चों की हत्या का ये पूरा मामला है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं और देखिए यहाँ पर पुलिस भी पहुंची है जो कि इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर से ट्रिपल मर्डर की वारदात यहाँ पर सामने आई है और इससे देखिए पूरे इलाके में सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है। अब पुलिसकर्मी भी पहुंच चुके हैं। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। झालाना इलाके में गोली मार करके हत्या की गई है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी। ट्रिपल मर्डर की वारदात से देखिए कॉलोनी में दहशत का माहौल है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जिसमें पुलिसकर्मी पहुंचे हैं, अब जांच पड़ताल इस पूरे मामले की जा रही है, अभी क्या अपडेट है? हेलो विष्णु, आपको आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, ये जो पूरा मामला है वो मालवीय नगर इलाके में झालाना कच्ची बस्ती का है, जहां पर क्रिएटिव प्लाजा के सामने आज हत्या की इस वारदात को एक व्यक्ति ने अंजाम दिया। अभी तक आरोपी जिसने गोली मारी थी महिला और दो बच्चों को, उसका पता नहीं चला है, लेकिन जानकारी में ये सामने है शाम के वक्त में महिला अपने दो बच्चों के साथ में घर में मौजूद थी और उसी दिन हमला जो हत्या करने वाला आरोपी है वो मकान की पहली मंजिल पर पहुंचता है। उसके बाद में कमरे में मौजूद महिला और उसके बाद में दोनों बच्चों को उसने गोली मारी और जब तक महिला की ननद जो की वही पास के कमरे में मौजूद थी वो दौड़ दल के आई और इसके बाद आरोपी ने उस महिला की ननद को धक्का मारते हुए और ऊपर से छलांग लगाते हुए वहां से मौके से फरार हो गया। अभी तक आरोपी जो है उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मौके पर थाना प्रभारी डीए और इस्लामाबाद डीसीपी की ज्ञानचंद यादव मौके पर है। एफएसएल टीम को बुलाया गया है जांच पड़ताल के लिए। काफी संख्या में लोग भी इकट्ठा है लेकिन आरोपी कौन है इसके बारे में बिल्कुल भी अभी तक जानकारी नहीं लगी है। जिसकी आरोपी की तलाश की जा रही है। अब तक की पड़ताल में यह संभावना जताई जा रही है कि आरोपी किसी आपसी रंजिशवश या किसी और संबंधों को लेकर के ये हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचा था। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए खुलेआम यहाँ पर गोली मार करके हत्या की गई है। क्या सीसीटीवी फुटेज अभी चेक किया गया है, उसमें कोई अपडेट निकल करके सामने आई हो? हाँ बिल्कुल, आसपास कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस उनकी भी तस्दीक कर रही है, उनके बारे में पड़ताल वहां पर क्या में इस तरह का चेहरा सामने है। लेकिन और वहीं पर जिन लोगों ने उसको देखा, आरोपी को देखा था, उनसे भी पता लगाया जा रहा है, पूछा की जा रही क्या वे लोग आरोपी को पहचानते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की जानकारी सामने नहीं है आरोपी के बारे में। ठीक है विष्णु, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो देखिए तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पुलिसकर्मी पहुंचे हैं। बस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब की जा रही है। तो ट्रिपल देखिए यहाँ पर मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, जयपुर में एक महिला और